हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त राहुल वर्मा, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टेकबिन ऑनलाइन में। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप फ्लिपकार्ट पे अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं लेकिन आप गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं, आपकी सेल्स नहीं बढ़ रही, आपको नुकसान बहुत हो रहा है, जैसे कि आप अपनी तरफ से मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो, एडवर्टाइज कर रहे हो, पैसा लगाए जा रहे हो एडवर्टाइजिंग पे, लेकिन फिर भी आपको नुकसान हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो आप लोगों के लिए। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं ऑलरेडी एक वीडियो पहले बना चुका हूं कि फ्लिपकार्ट पे अपनी सेल कैसे बढ़ाएं। उसके लिए आपको गोल्ड कैटेगरी में जाना होगा, आपको गोल्ड सेलर बनना होगा, 90 दिन के अंदर 5000 ऑर्डर्स पूरे करने होंगे। वो कैसे पूरे करने हैं इसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है उसमें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर आई बटन पे आ गया होगा, जाके जरूर देखना, बहुत काम की वीडियो है। अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करते हो ना तो बिजनेस में मेहनत के साथ साथ दिमाग भी चाहिए होता है। मेहनत तो गधा भी करता है लेकिन गधे के पास दिमाग नहीं होता, उसको जैसे बोल देते हैं वो वैसा करता रहता है, ऐसे बिजनेस नहीं होता। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप फ्लिपकार्ट पे अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपको अपनी सेल बढ़ानी है तो एडवर्टाइजिंग पे खर्च करने से अच्छा है। देखो, एडवर्टाइजिंग सिर्फ प्रोडक्ट को थोड़ा पुश करने के लिए होती है। उस आप एडवर्टाइजिंग करते हो तो आपके प्रोडक्ट की थोड़ी देर के लिए विजिबिलिटी आ जाएगी, उसके बाद वही प्रोडक्ट आ जाएगा दोबारा। पहला काम, आपको गोल्ड कैटेगरी में जाना है। दूसरा काम, आपको एफ एश्योर्ड का टैग लेना है। क्या है ये एफ एश्योर्ड का टैग? आप स्क्रीन पे देख रहे हो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इन पे एफ एश्योर्ड का टैग लगा हुआ है, यानी कि फ्लिपकार्ट एश्योर्ड। फ्लिपकार्ट एश्योरेंस देता है कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है, ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है। अब सपोज करो दो सेम प्रोडक्ट हैं, एक के ऊपर फ्लिपकार्ट एश्योर्ड का टैग लगा हुआ है और एक के ऊपर टैग नहीं लगा हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है ना, कस्टमर जिसके ऊपर टैग लगा हुआ है वो ही प्रोडक्ट लेगा, जिसके ऊपर टैग नहीं है वो नहीं लेगा। ये सेल बढ़ाने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। तो अब सोचो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, आप गोल्ड सेलर भी बन जाओ, आपके पास टैग भी आ जाए, तो आपकी सेल कहां जाएगी सोच भी सकते हो? आपकी सेल लाखों करोड़ों में जाएगी। आपको एडवर्टाइजिंग करने की, एडवर्टाइजिंग पे पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 महीने की मेहनत है, 90 दिनों की। अब ये एफ एश्योर्ड का टैग आपको कैसे मिलेगा? दोस्तों, दो तरीके हैं इसको लेने के, एक है स्मार्ट फुलफिलमेंट, एक है स्मार्ट सेलर। स्मार्ट फुलफिलमेंट क्या है? जैसे Amazon में FBA होता है ना, ऐसे ही फ्लिपकार्ट पे स्मार्ट फुलफिलमेंट है। फ्लिपकार्ट के वेयर हाउसेज हैं मेट्रो सिटीज में, आपको अपने प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में रखवाने हैं, फिर सारी हेडेक फ्लिपकार्ट की है उसको पैक करके भेजना, कहाँ जाएगा, आपके ऑर्डर्स निकालना, आपके रिटर्न्स का ध्यान रखना, सारी हेडेक फ्लिपकार्ट की है, उसकी पैकिंग वैकिंग सब A to Z। रिटर्न्स का भी वो आपके ध्यान रखेगा, आपसे वो थोड़ी सी फीस चार्ज करेगा जो कि हर कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस है। पहला तरीका तो ये है, अगर आप ये तरीका अपनाते हो जिसको बोलते हैं स्मार्ट फुलफिलमेंट, तो आपको ये एफ एश्योर्ड का टैग मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप हर प्रोडक्ट पे ये टैग लगवाओ, आप जो भी प्रोडक्ट आप उनके वेयर हाउस में रखवाना चाहते हो वो प्रोडक्ट आप उनके वेयर हाउस में रखवा दो, उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आपको एफ एश्योर्ड का टैग मिल जाएगा। अब दूसरा तरीका है स्मार्ट सेलर, कि आप अपने ही वेयर हाउस से प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो तब भी आपको एफ एश्योर्ड का टैग मिल जाए। वो कैसे मिलेगा? आपका फ्लिपकार्ट आपका 90 डेज की परफॉर्मेंस चेक करेगा, आपकी रेटिंग एक तो 4 होनी चाहिए, अगर 4 रेटिंग से कम है तो आपको वो टैग नहीं मिलेगा।
आपको कोई कैंसलेशन नहीं करनी, आपको कोई लेट शिपमेंट नहीं देना, कस्टमर रिटर्न्स आपके कम होने चाहिए और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अपनी रेटिंग्स 4 तो रखनी ही है। 90 डेज के अंदर अगर आप ये 4 रेटिंग्स मेंटेन कर लेते हो तो फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको एक मेल आएगा, आपको इनवाइट किया जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हो। फिर आपको अपने वेयर हाउस की फोटोज फ्लिपकार्ट को भेजनी है, जहां पर रैक्स होने चाहिए, 2 लैपटॉप्स होने चाहिए या डेस्कटॉप होने चाहिए, 2 वाईफाई कनेक्शन होने चाहिए, बार कोड प्रिंटर होना चाहिए, बार कोड स्कैनर होना चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए जो कि फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में होती है, वो आपके वेयर हाउस में होनी चाहिए। एक वेइंग स्केल भी होना चाहिए जिसपे आप अपने प्रोडक्ट का वेट कर सको। अगर ये सारी चीजें, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये कोई ज्यादा महंगी चीजें नहीं है, तो अगर आप ये सब कर लेते हो तो आपको अपने प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में भेजने की भी जरूरत नहीं है। आप जहां से काम कर रहे हो वहां से आप एफ एश्योर्ड का टैग ले सकते हो। फ्लिपकार्ट की टीम हो सकता है आपके वेयर हाउस में जाके खुद भी चेक करे, क्वालिटी चेक इनके होते रहते हैं, फ्लिपकार्ट की टीम आती है चेक करने के लिए। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो एफ एश्योर्ड टैग के ऊपर कि आपको ये एफ एश्योर्ड का टैग 2 तरीके से मिल सकता है। तो अब आपको अपनी सेल बढ़ाने के लिए क्या करना है, गोल्ड सेलर बनना है और एफ एश्योर्ड का टैग लेना है। ये 2 चीजें आपको करनी है, आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी सेल्स बूस्ट कर जाएगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और एक बार फिर से कह रहा हूं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में किसी और नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।